स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रिव्यू आर्टिकल्स के ऊपर, कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उसके लिए टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए जो जर्नल की सिलेक्शन है वो कैसे होती है, और रिव्यू आर्टिकल की जो बॉडी या उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें हेडिंग्स कैसे लिखनी है आपने, सब हेडिंग कैसे लिखनी है आपने, और फिर उसमें डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनकी साइटेशन कैसे करनी है, और कितने आर्टिकल्स आप कोड कर सकते हो एक रिव्यू आर्टिकल के अंदर। तो ये तमाम की तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में, और विद एग्जांपल ऑफ पब्लिश रिव्यू। तो जो एक पब्लिश रिव्यू होगा उसको मैं सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी इसके लिए टॉपिक कैसे सिलेक्ट करेंगे और इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा और साइटेशन कैसे इसकी देंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। तो रिसर्च आर्टिकल जो है वो लेबोरेटरी में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से फिर रिजल्ट्स आते हैं और उन रिजल्ट्स के ऊपर फिर हम एक थीसिस लिखते हैं, और जब हम उस वर्क को पब्लिश करते हैं तो वो रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में पब्लिश होगा। जबकि रिव्यू आर्टिकल जो है वो हम ऑलरेडी जो पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स हैं या रिव्यू आर्टिकल्स, उनसे जो हम डाटा को लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को लेते हैं किसी खास टॉपिक के ऊपर, और उसके ऊपर जो हम एक रिपोर्ट या एक आर्टिकल लिखते हैं उसे हम कहते हैं रिव्यू आर्टिकल। जैसे इसकी डेफिनेशन में है, अ लिटरेचर रिव्यू इज अ नरेटिव एसे दैट इंटीग्रेट्स, सिंथेसाइज एंड क्रिटिक्स द इंपॉर्टेंट थिंकिंग एंड रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो टॉपिक आपने सेट किया है रिव्यू के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल जो है वो पॉइंट्स हैं या क्रिटिकल जो पैराग्राफ्स हैं दूसरे आर्टिकल्स के अंदर, आपने वहां से उसको लेना है, फिर उसको आपने सिंथेसाइज करना है, उसको आपने इंटीग्रेट करना है, और जो मोस्टली रिकमेंडेड होता है कि आप मोर देन 100 जो है वो साइटेशन दें एक अच्छे रिव्यू आर्टिकल के लिए। तो आप मोर देन 100 आर्टिकल से जो है वो चीजों को कलेक्ट करें और उसको एक खास ऑर्डर से लिखें, तो फिर आपके अच्छा रिव्यू आर्टिकल जो है वो हो सकता है वो। और सबसे पहले जो है हम किसी भी रिव्यू आर्टिकल को लिखने से पहले उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि उसकी हेडिंग सब हेडिंग कैसी होनी चाहिए। तो आज मैंने एक एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूं जो कि हमारा ही पब्लिश एक आर्टिकल है, वो उसका टॉपिक क्या है, एल आर्सिनोजेनेस एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट टू कॉम्बैट अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ऑल, अ नोवल अप्रोच टू टारगेट ऑल। यानी कि ये आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो इसी में से मैं आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करके दूंगा, और फिर इसी में जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है उसमें जो डिफरेंट हेडिंग और सब हेडिंग उनको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो जी स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मेरे पास आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रिव्यू का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, लिखना ना शुरू कर दें, टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया ओके, लेकिन उसके बाद आप सबसे पहला जो काम करें वो क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन करें। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कब डिजाइन होगा, जब आपने बहुत ज्यादा आर्टिकल्स को रिव्यू किया हुआ होगा, तो आपको पता होगा इट्स एंड बिट्स क्या है इस टॉपिक के ऊपर। तो जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, उसकी हेडिंग और सब हेडिंग कुछ यूं होगी, तो आप अपने टॉपिक के मुताबिक लिखिएगा। मैं आपको जो आज की एग्जाम्पल उसके मुताबिक बताता हूं। सबसे पहले तो उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, कोई भी रिव्यू आर्टिकल उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो आपको लिखना पड़ता है, जो कि 200 से लेकर 300 जो है वर्ड्स के ऊपर होता है, डिफरेंट आर्टिकल्स में ये डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद उसका शॉर्ट ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होता है जो कि 2 से 3 पैराग्राफ्स का होता है, ये भी वेरी करता है जनरल टू जनरल। देन जो है उस टॉपिक का जब आपने एब्स्ट्रैक्ट भी लिख लिया, इंट्रोडक्शन भी लिख लिया, तो फिर आपके पास जो थर्ड चीज़ आती है वो क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस एंजाइम का, जो कि आज हम जिसके ऊपर जो है रिव्यू आपसे शेयर करना है। और फिर उसके पास की फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं उस एंजाइम की, कि वो कैसे ट्रीट करता है जो है वो डिजीज़ को। देन क्लिनिकल यूज ऑफ एल आर्सिनोजेनेस, फिर हमने देखना है कि उसके क्लिनिकल यूज़ क्या है उस एंजाइम के। और 6 नंबर पे क्या है, लिमिटेशन ऑफ एल एस्परजिनेज, यानी कि आपने उस एंजाइम की लिमिटेशन देनी है। तो याद रखिएगा, एक अच्छा राइटर वही होता है कि जो जिस टॉपिक के ऊपर काम करना जा रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई हिस्ट्री में या पास्ट में कोई उसके ऊपर वीक पॉइंट्स हैं या लिमिटेशन है उसको भी हाईलाइट करे। यानी कि जब आप लिमिटेशन को हाईलाइट करेंगे तो उसके बाद तो आप अपना रिव्यू जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद एल एस्परजिनेज थेरेपी, देन अम्यूनोजेनिक कॉम्प्लिकेशन रेजिस्टेंट टू ड्रग, यानी कि ये एंजाइम जो है वो ड्रग को कैसे रेजिस्ट करता है या थेरेपी में क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो लिमिटेशन पहले आप क्वेश्चन को हाईलाइट आपने कर दिया है, अब जो पढ़ने वाला रीडर होगा वो जरूर ये सोचेगा कि यार इसने तो लिमिटेशन बता दी है, अब उसको कवर करने का तरीका भी बताएगा, तो जो एडिटर या रिव्यूअर जो होते हैं वो भी चीज को बड़ा जो है वो पॉइंट नोटिस करते हैं, चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि वाकई इसने चीज हाईलाइट की है। अब 7वां पॉइंट देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इन एल एस्परजिनेज डिस्कवरी टू ओवरकम लिमिटेशंस। तो क्या-क्या ऐसी चीजें हैं एल एस्परजिनेज की डिस्कवरी में या उसके ऊपर क्या-क्या ऐसे लिटरेचर अवेलेबल है या रिसर्च अवेलेबल है जो इन लिमिटेशन को दूर करता है।
तो सबसे पहले क्या लिखा, केमिकल मॉडिफिकेशन दैट ऑफ दैट एंजाइम, देन क्या लिखा, प्रोटीन इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद जो है नोवल सोर्सेज ऑफ एलेक्सप्रेजिनेज, यानी कि जरूरी नहीं कि आप एक ही सोर्स से उसको लें, आप देखिए उसके बैक्टीरियल सोर्स भी है, फंगल सोर्स भी है, एक्टिनोमाइसिट्स भी है, एल्गल भी है, प्लांट भी है, तो यूं एक देखिए एक खास आर्डर नजर आ रहा है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिक बैकग्राउंड, फिर उसकी जो है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, फिर उसकी लिमिटेशन है, फिर उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जो डिफरेंट मैथड यूज किए हैं वो मैंशन है, और उसके बाद एट लास्ट क्या होता है आठवें पॉइंट में देखिए कंक्लूजन एंड फाइनल रिमार्क्स हैं, और फिर उसमें आपने कंक्लूड करना होता है कि हमने वो जो लिमिटेशन थी स्ट्रीम में वो ये थी, और उसको ओवरकम करने के लिए जो ऑलरेडी आर्टिकल पब्लिश हुए उनमें उसको ओवरकम करने के मेथड भी लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ उसको कंपाइल किया है, उसको आपने यहाँ पे कंक्लूड करना है इन फ्यू लाइन, 200 से 300 वर्ड्स में, फिर एक्नॉलेजमेंट्स, अगर आपको किसी ने सुपरवाइज किया है, किसी लेबोरेटरी में सुपरविजन है, तो आप उसको मेंशन करेंगे, और एट लास्ट रेफरेंसेस। जी उस स्ट्रक्चर को हमने जिसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो है ये वाला आर्टिकल जो आज की हमारी एग्जाम्पल है, तो इसमें आप सब जानते होंगे अच्छे तरीके से कि सबसे पहले जो है उसका टाइटल आता है रिव्यू का, देन ऑथर्स है, फिर उनकी एफिलिएशन होती हैं, ठीक है, फिर जनरल ने जो जो पब्लिश किया, कीवर्ड अब्स्ट्रैक्ट है, फिर उसके कीवर्ड्स हैं, तो मैं थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बोलना चाहूंगा कि अब्स्ट्रैक्ट में आप जो पहली कुछ लाइंस होती हैं, 2 or 3 लाइंस होती हैं, वो इंट्रो पे होती हैं, एंजाइम का इंट्रो है, फिर डिजीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रो होगा, अगली जो दो से तीन लाइंस होती हैं वो लिमिटेशंस के ऊपर होंगी कि क्या क्या हिस्ट्री में इसके ऊपर जो है लिमिटेशन अवेलेबल है, और उसके बाद नेक्स्ट जो 3 to 4 लाइंस होंगी वो होंगी कि उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आपने क्या लिटरेचर रिव्यू किया और कौन कौन सी चीजें आपने उसके अंदर एडअप की ताकि वो लिमिटेशन खत्म हो सके, और लास्ट 1 or 2 लाइंस होती है फ्यूचर रिकमेंडेशंस पे जो कि आप इस रिव्यू के बारे में या एंजाइम के बारे में जो है रिकमेंड कर सकते हैं। फिर कंटेंट्स ये अकॉर्डिंग टू जर्नल है इसलिए यहाँ पे कंटेंट्स दोबारा रिपीट हुए हैं, ये वो जो हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किए थे, और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास क्या इसका इंट्रोडक्शन है। मोस्ट स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि रिव्यू आर्टिकल में इंट्रोडक्शन नहीं होता, नो, रिव्यू आर्टिकल में भी एक इंट्रोडक्शन होता है, हमने शॉर्ट समरी देनी होती है अपने इस वर्क की कि उसमें एंजाइम का इंट्रो क्या है, उसमें आपने डिफरेंट साइटेशन या आर्टिकल का जो है रेफरेंस भी दे सकते हैं, ठीक है, ये 2 to 3 पैराग्राफ के ऊपर जो है मुश्तमिल होता है इंट्रो, और फिर आपने बताना है कि आपने इस प्रेजेंट रिव्यू में, यानी कि जो हमारा अपना आर्टिकल ये है, इसमें हमने जो है ऊपर वाले पास है तो लिटरेचर की है, उसमें आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रिव्यू के वो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि हमने न्यू सोर्सेज जो है उनको देखा, उनसे जो है हम ये आर्टिकल जो हमने लिखा, फिर उसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा जहां से इसका काम स्टार्ट हुआ है, देखिए 1904 लिखा हुआ है वहां से इसको स्टार्ट करें और इसको फिर ले के आए रिसेंट वर्क के ऊपर 1964, 1967 जो जो इसके ऊपर काम हुआ आप सारे मेंशन करें 2014 तक इसके ऊपर जो आर्टिकल अवेलेबल है। फिर हमने उसका देखना कि फार्माकोलॉजिकल इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि एलेक्सप्रेजिनेज कैसे वर्क करता है इसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ऑल जो डिजीज हमारे पास है ल्यूकेमिया की, तो उसके लिए सबसे अच्छा तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप एक फ्लो चार्ट बनाएं या एक डायग्राम बनाएं जिस डायग्राम में जो है मुकम्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है लिखा हुआ होना चाहिए। जब आप उसका मैकेनिज्म बता दें फिर इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखें, और जब आपके ये सारे एस्पेक्ट्स पूरे हो जाएं तो फिर हमने बतानी होती है कि हमारी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, तो लिमिटेशन में देखें कि इसकी बहुत सी लिमिटेशन थी, ठीक है, थेरेपी में जो लिमिटेशन थी उसको भी आपने डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि हर पैराग्राफ में आपने एक ही पॉइंट को रेज करना है, उसके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने वहां मेंशन करना होगा, और जब आपकी लिमिटेशन सारी खत्म हो जाए तो फिर हमने देखना है कि हमने उसके लिए जो उन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से चीजें या कौन कौन से मेथड यूज किए हैं। देन अगर हम नेक्स्ट मूव करते प्रोटीन इंजीनियरिंग के जो अप्रोचेज यूज किए हैं वो भी आप लिटरेचर से लेकर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी टेबलेटेड फॉर्म में देख सकते हैं जितनी भी आज तक उसके ऊपर जो है जो केमिकल मॉडिफिकेशन हुई है उस एंजाइम की वो सारी यहाँ पे मेंशन की हुई है। एंड देन हमने इसके जो है डिफरेंट सोर्सेज जिक्र किया कि लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए सोर्सेज भी हैं, नोवल सोर्सेज हैं, उसमें क्या क्या सोर्सेज हैं, बैक्टीरियल सोर्स आ सकता है, जैसे 6.3 में तो है सोर्सेज का नाम है, 6.3.1 में क्या है आपने बैक्टीरियल सोर्स की जिक्र कर दिया और उसके बाद टेबल बना दिया कि बैक्टीरियल सोर्स कौन कौन से हैं, उनका ऑप्टिमल टेम्परेचर पीएच क्या है, किस जहाँ पे वो काम करते हैं और किस किस आर्टिकल जो पब्लिश हो चुकी हैं ऑलरेडी एलेक्सप्रेजिनेज को डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर, देखिए नेम ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया है, फिर उनके आगे रेफरेंस भी आप उस तरीके से देने हैं। एट द एंड क्या होगा, इसमें कंक्लूजन हो या फाइनल रिमार्क्स होंगे, तो ये 200 to 300 वर्ड्स इनफ होते हैं एक अच्छे कंक्लूजन के लिए, उसमें आपने क्या बताना है कि इसका शॉर्ट इंट्रो कुछ लाइंस में पहले में देना है, फिर जो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं उसके बारे में बात की आपने जो जो रिपोर्टेड है हमारे पास, और उसके बाद जो है जो इसकी लिमिटेशन रिपोर्टेड है उनकी बात की, और फिर उसके बाद आपने बात करनी है कि जितनी भी उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने जितनी रिसर्च की है उनको हमने मेंशन करना है 2 to 4 लाइंस में ताकि पता चले कि वो लिमिटेशन ओवरकम की गई हैं, और आखिर पे इसमें भी अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है कुछ फ्यूचर के जो है वो पॉइंट या फ्यूचर रिकमेंडेशन हम एट द एंड जो उसमें ऐड कर देंगे, और लास्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है, अगर किसी ने आपको सपोर्ट किया है इसमें सुपरविजन है एक्सटर्नल सुपरविजन है तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और देन एट लास्ट जो है रेफरेंसेज हैं, तो इसमें हमने जो साइटेशन देनी होती हैं रेफरेंसेज देने होते हैं,
तो वो उनकी एक लिस्ट यहाँ पे एट द एंड आप उसको जो है यहाँ पे ऐड करनी है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है बीएस के बच्चों के लिए जो है वो रिव्यू को एज अ थीसिस भी लिया जाता है एचएसटी के अकॉर्डिंगली। तो उसमें बच्चे आपने ये करना है कि ये रिव्यू आर्टिकल जो है वो 20 पेजेस का है, ठीक है। आपने उस रिव्यू थीसिस के लिए आपने क्या करना होता है, 5 to 6 या 5 to 10 पेजेस आपने इंक्रीज करना है, यानी कि आपने हेडिंग्स के नंबर को बढ़ा देना है, सब हेडिंग्स के नंबर को बढ़ा देना है, या एक एक पैराग्राफ के अंदर मजीद आपने ऐड कर देना है, यानी कहने का मतलब मजीद आपने साइटेशन उसमें ऐड कर देनी है। तो जैसे वो 30 पेजेस तक आप उसको ले जाए, 25 पेजेस ले जाए, ये इनफ है। अगर आप ये सोचेंगे उसके ऊपर 80 पेजेस करें या 70 पेजेस करें तो रिव्यू की वो सेंस खत्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।